दोस्तों आज बड़ा ही अजीब कॉल आया है। आप देख सकते हैं हम ये जिला रुग्णालय शिविल हॉस्पिटल अहमदनगर का शिविल हॉस्पिटल है। चलिए दोस्तों अभी बिना देरी किए देखते हैं वहाँ पर जाकर कौन सा साहब है। माहितीच नाही का नाही तर मग त्यांना उठ आला तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अहमदनगर में अहमदनगर जिला रुग्णालय सिविल हॉस्पिटल में हम पहुँचे हैं और ये आदमी आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटा हुआ है, बहुत ही गहरी नींद में है और ये सांप जो है शर्ट में पीछे से आकर के भी छुपा हुआ है, करवट लेकर उधर की साइड में है इसलिए वो काट रहा नहीं। अगर ये इस साइड में करवट ले ली तो ये ज़रूर काटेगा। एवढा मोठा साप तुमच्या अंगात मराठी में जाऊ द्या हिंदी में हरा साप ये बिना जहर वाला था, इसमें इनके काटने से कुछ होता नहीं। तो दोस्तों आपने देखा रात 3:30 बजे हमने एक स्नेक रेस्क्यू किया था, ग्रीन किलबैक स्नेक जिसे ग्रास स्नेक भी कहा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह सांप क्या हुआ था, उस आदमी के शर्ट में चला गया था और जो ब्रदर्स लोग हैं सिस्टर लोग हैं उन्होंने देखा सुबह सुबह 3:30 बजे और उन्होंने मुझे कॉल किया कि बताया उस शर्ट में किसी वहाँ पर जो पेशेंट लोग हैं उनके जो रिश्तेदार होते हैं वहाँ पर सोते हैं तो वही कहीं एक आदमी के शर्ट में कहीं से बाहर से आकर वो चला गया था। तो दोस्तों मैंने कहा था कि सांप कभी जबरन किसी को अटैक नहीं करता, आपने देखा ये पूरा शर्ट के अंदर चला गया था फिर भी इसने काटा नहीं, जब तक वो आदमी अपना करवट बदल कर सीधा नहीं हो जाता। जैसे मान लो अभी ये साइड में था, अगर ये साइड में हो जाता हो तो ये सांप उसको काट लेता शायद, ये बिना जहर वाला है इसे काटने से कुछ नहीं होता लेकिन ये काट लेता, सांप का नेचर ही काटना है, उसको दबाव दे दिया उसको गलत तरीके से पकड़ा तो ये ज़रूर काटेगा। ऐसे तो कोई सांप जबरन कभी किसी को काटता नहीं, अभी आपने देखा कि वो शर्ट में चला गया था फिर भी काटा नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको हम यहाँ पर रिलीज़ करते हैं, इसका नाम फिर एक बार बताता हूँ, इसे एक ग्रास स्नेक कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रीन किलबैक स्नेक और हिंदी में हरा सांप, मराठी में गावत्या सांप। ये काफ़ी शांत स्वभाव का सांप है, अपने आप धीरे धीरे वो पर्यावरण में चले जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।